हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानशीला एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य का गठन और उससे जुड़ा इतिहास। मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित कई ऐसे प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं, जैसे राज्य का गठन कब और कैसे हुआ, भारत की तत्कालीन सरकार ने किस अधिनियम के तहत राज्य का गठन किया, आज़ादी के पहले के मध्य भारत की वो कौन कौन सी रियासतें थी जिन्हें आपस में जोड़कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ इस वीडियो में हम विस्तार से देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज़ादी के पहले के भारत से। अंग्रेजों के शासनकाल में आज़ादी के पहले का भारत कुछ ऐसा था और तब के मध्य भारत की संरचना कुछ ऐसी थी। अंग्रेजों के शासनकाल में दो तरह की रियासतें होती थी, एक वो प्रांत जो अंग्रेजों ने युद्ध में जीते थे और उनके प्रशासक भी वह खुद ही होते थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, बॉम्बे स्टेट, मद्रास स्टेट, बंगाल स्टेट, यूनाइटेड प्रोविंसेस के साथ और कई प्रांत थे। और दूसरी वो राजसी रियासतें जैसे राजपुताना, हैदराबाद, भोपाल, मध्य भारत, मैसूर, पूना और ऐसी कई रियासतें जिन्हें अंग्रेजों ने युद्ध में जीता तो था मगर वहाँ के स्थानीय राजाओं से अनुबंध करके उन राजाओं के माध्यम से प्रशासन करते थे। हालांकि इन सभी रियासतों का संपूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में ही होता था। फिर आज़ादी के बाद जब अंग्रेजों का शासन भारत में पूरी तरह से खत्म हुआ तो वो सभी अनुबंध जो अंग्रेजों ने राजसी रियासतों से किए थे वो अपने आप समाप्त हो गए। अब इन सभी रियासतों के राजा स्वतंत्र थे कि या तो वह नए भारत में खुद को शामिल कर लें या खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दें। लेकिन उन सभी रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर के राजाओं ने भारत में खुद को शामिल होने से इनकार किया और अखंड भारत का वो सपना जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था उसको पूरा करने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर था। सरदार पटेल ने उन सभी रियासतों को भारत में शामिल होने को मजबूर करके भारत के नए भूगोल की रचना की। इसके बाद सन 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर सभी राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए फजल अली खां की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसी आयोग की अनुशंसा पर ही भारत के सभी राज्यों की नई सीमाएं निर्धारित होनी थी। 3 वर्ष के अध्ययन के बाद आयोग की सिफारिश पर भारत की संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसी अधिनियम के आधार पर मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों का गठन हुआ। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ। सन 1954 का ये है पूरे मध्य भारत का नक्शा। इसमें सबसे बड़ा प्रांत था सेंट्रल प्रोविंस और बरार। इससे जुड़ी हुई 3 रियासतें और थी, भोपाल, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिश थी उसके अनुसार इन 3 रियासतों को सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में सम्मिलित किया और दक्षिण का वो हिस्सा यानी विदर्भ, जहाँ पर सर्वाधिक मराठी भाषा बोली जाती है, उस हिस्से को तब के बॉम्बे स्टेट और आज के महाराष्ट्र राज्य में शामिल कर दिया। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 16 ऐसे जिले जिनमें छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, उन सभी जिलों को संगठित करके एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो इसीलिए राज्य का गठन और पुनर्गठन का दिन होने के कारण 1 नवंबर को हर साल पूरे राज्य में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।